भैया बहनों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी की वेला में आपको हम रसगान के सबैये पढ़ाएंगे। सभी भैया बहन ध्यान से सुने और समझें। दोहा। धुर भरे अति श्याम जु तैसी बनी सुन सुंदर चोटी, तैसी बनी सुन सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। वाछवि कोरस कान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग भले सजनी, काग के भाग भले सजनी। हर हाथ सुले गयो मकन रोटी, हर हाथ सुले गयो मकन रोटी। संकेत पढ़ी। धूर भरे अति डॉट 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 माखन रोटी। शब्दार्थ पैंजनी पायल, कछोटी कच्छा, छवि सौंदर्य, बिलोकत देखते हैं, वारत नौछावर करते हैं, सजनी सखी। संदर्भ प्रस्तुत सवैया कवि रसगान द्वारा रचित रसगान ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित सवैये शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग इस छंद में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करा है, बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। व्याख्या एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर कामदेव भगवान भी अपनी करोड़ों कलाओं को नौछावर कर देना चाहते हैं। हे सखी, उस कौए के भाग की कितनी सराहना की जाए। वह कौआ तो बड़ा भाग्यवान है, भाग्यशाली है, जो श्री कृष्ण भगवान के हाथ से माखन से लगी हुई रोटी को छीन करके ले जाता है। काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत पद्यांश में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक मोहक चित्र प्रस्तुत किया है। नंबर दो भाषा। इस सवैया में ब्रज भाषा का समावेश है। नंबर तीन रस। यहां पर श्रृंगार रस का प्रदार्थ है। नंबर चार गुण। यहाँ माधुर्य गुण है। नंबर पांच छंद, सवैया छंद है। नंबर छह अलंकार। यहाँ पर अनुपात अलंकार प्रस्तुत है। नंबर सात भावश्याम। महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप के अनेक चित्र दिए हैं। जैसे होवल जाऊं छवि लीलाल की, धूसर धूरे घुटवानी रेंगनी, बोलनी वचन रसाल की। गृह कार्य भैया बहनों, उपयुक्त पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित तो व्याख्या लिख करके काव्यगत सौंदर्य लिखना तथा याद करना है।